जी हाँ स्टूडेंट, मेरे हाथ में जो आज ये आप कागज़ देख रहे हैं, ये कोई एक मामूली कागज़ नहीं, ये एक मार्कशीट है, मार्क स्टेटमेंट है जो NOS बोर्ड द्वारा जारी की जाती है उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स सही तरीके से अप्लाई करके और फिर एग्ज़ाम देके क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई कर देते हैं, और तब जाकर ये मार्कशीट उनको इशू होती है जो अपने करियर में वो इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जो या तो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं और या फिर बहुत शॉर्टकट तरीके से इस टाइप की मार्कशीट को पाना चाहते हैं, या फिर उनके पास कॉल आता है कि आप हमको इतना पैसा दीजिए और हम आपको बिना एग्ज़ाम दिलाए आपके हाथ में ये मार्कशीट लाकर दे देंगे। तो मेरे भाइयों, आज का मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस तरीके की कोई मार्कशीट को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अगर आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि आप पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, बिना एग्जाम दिए हम आपको पास करा देंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में वो खुलासा करूंगा कि क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या भुगतना पड़ सकता है अगर ये NOS की मार्कशीट फेक निकलती है। तो चलिए स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, BCIC गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ में तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे इस चैनल को, इतने कम समय में आपने इतने लोकप्रिय बना दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर कोई नया आया है, पहली बार हमारे चैनल में आए हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, NOS की सारी अपडेट आप तक लेकर आते रहते हैं हम लोग। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे एक बार दोबारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और सिर्फ रिटर्न में आपसे मांगते हैं एक लाइक, तो जरूर दीजिएगा। लाइक होने से हमारा वीडियो जल्दी जल्दी आएगा आप तक और आप तक जो है वो सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी कि अगर आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आपको ये लालच दे रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको जो है NOS की ओरिजिनल मार्कशीट बिना कोई एग्जाम दिए दे देंगे, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आपको कोई बिना एग्जाम दिए आपकी NOS की मार्कशीट क्लास 10th की और या फिर क्लास 12th की आप तक पहुंचा दे और आप उस मार्कशीट के बेसिस पे कहीं आगे जाके अप्लाई करें किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जॉब में। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने जो है 10th 12th को पास कर लिया, ऐसी कोई मार्कशीट वहां से प्राप्त कर ली, उसके बाद आपकी जो है एक बहुत ही अच्छी जॉब लग गई और जॉब लगने के बाद आपने खुशी से जो है सारे अपने दोस्तों को पार्टी भी कर दी और जो है सब पूरे अपने खानदान में ये भी बता दिया कि मैं अब एक सफल इंसान बन गया हूँ और मेरी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में है जॉब लग गई है। 2 साल तक आपको जो है बहुत अच्छी सैलरी भी मिली जिसको आपने एंजॉय करा, फॉरेन ट्रिप गए, अपना पार्टी करा, सब कुछ किया, और उसके बाद 2 साल बाद एक नोटिफिकेशन आपके पास आता है, एक नोटिस आपके घर में आता है जिस नोटिस में ये लिखा जाता है कि आपको इस तारीख से पहले अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इस डिपार्टमेंट में पेश करिए। अब आपके दिमाग में यहाँ पर जो है घंटी घूमने लगती है कि ये सब क्या हो गया, अचानक से मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्यों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए हैं। और जब आप जो है दिन रात की अपनी नींद खराब करके और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ डिपार्टमेंट तक पहुँचते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा जाता है तो वो दिन आएगा जब आपकी वो NOS की मार्कशीट डुप्लीकेट और फेक नज़र आएगी। और ऐसा होने पर 2 साल का जो आपको सैलरी दिया गया है वो सब तो गवर्नमेंट वापस लेगा विद इंटरेस्ट, साथ ही साथ में तैयार हो जाइए, जेल जाने का भी प्रावधान है इसमें। क्योंकि अगर आप अपने डिक्लेरेशन में ये शो करते हैं कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, और बाद में अगर वो फेक पाए जाते हैं तो ये एक जो है क्राइम लेवल में आता है और जिस कारण आपको जेल जाने के लिए भी तैयार होना पड़ सकता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आप हो NOS के स्टूडेंट और आप बहुत जल्दीबाजी में जो है ऐसी कोई मार्कशीट को प्राप्त करना चाहते हो और कोई लोग हैं जो आपको देना भी चाह रहे हैं और आपसे जो है पैसा ले रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी अभिभावक, कोई भी NOS का स्टूडेंट ऐसे किसी भी जाल में ना फंसे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे केसेस आ गए हैं जहां पे स्टूडेंट ने बताया है कि सर हमने पैसा दिया था, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर ऑफ हो गया, उसकी वेबसाइट गायब हो गई और जहां पे उनका ऑफिस था वहां पर अब कुछ भी नहीं है। यानी कि
हर चीज को पाने की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अनुसार ही हमको चलना होता है। अब देखिए, आपको एक छत में अगर चढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से चढ़ना होगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं यहाँ से जंप करूँ और सीधा छत पर पहुँच जाऊँ तो मेरे ख्याल से वो लुढ़कते हुए वापस ही आकर नीचे गिरेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, अगर हमें उस छत तक पहुँचना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होगा और समय लगेगा, वो समय आपको देना होगा और उन सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। उसी तरीके से अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, अपना करियर बनाना है, तो आपको समय के अनुसार सब कुछ लीगल तरीके से करना होगा और सब कुछ जो है समय के अनुसार ही चलना होगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्रॉपर वे से लीजिए, अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और प्रॉपर वे से अप्लाई करिए, प्रॉपर वे से एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पे आप आगे एडमिशन लीजिए, आगे अपना करियर बनाइए और सब कुछ करिए और बेचिंत हो जाइए। लेकिन अगर आपने कहीं पे फेक मार्कशीट लिया और फेक मार्कशीट लेके कहीं पे अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया लेकिन दिन रात की नींद आपको भी नहीं आएगी और कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो ऐसा कभी भी मत करिएगा। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि हमेशा जो है एक प्रॉपर सेगमेंट से चलिए, एक प्रॉपर लाइन से चलिए, तो ही आप अपने करियर में सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी बात को हवाओं में ले लेंगे और सोचेंगे नहीं हमें तो जो है जल्दी अमीर बनना है, हमें तो जल्दी सब कुछ पाना है, तो मैं समझता हूं कि आज शायद उनको वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहते हैं, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब वो ये रियलाइज़ करेंगे कि हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी फेक मार्कशीट किसी से ना लें, कभी भी कहीं पर भी कोई ऐसा किसी को पैसा मत दें जो ये बोलते हैं कि हम आपको पास कराने की गारंटी लेते हैं एनओएस में, उनको भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी आपको एनओएस में पास नहीं करा सकता है। अगर कोई पास करा सकता है तो वो आप खुद हैं जो एग्जाम देंगे और आराम से जो है पास होंगे। बहुत आसान होता है एनओएस में पास होना, इतना कोई मुश्किल खेल नहीं है कि जिसमें आप जो है अपनी पेरेंट्स की जो है एक हार्ड अर्निंग जो इनकम है उसको लुटाकर जो है आप उस मार्कशीट को पाना चाहते हैं। अरे थोड़ा सा मेहनत करिए, आराम से आपको मार्कशीट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और आप एग्जाम में पास भी हो जाएंगे और आपका करियर भी बनेगा। तो ये सारा मेरी थोड़ी सी सलाह थी आप सभी लोगों के लिए। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।